गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग सेफ एंड सिक्योर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड गाइस, मैं आपका दोस्त मनविंदर कुमार, गोल्ड इफ्तार यूथ आइकॉन इन हैप्पी हेल्थ इंडिया से आज फिर मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। एंड माय डियर फ्रेंड, यदि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कार्य कर रहे हो या फिर किसी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर किसी कंपनी के अंदर एसोसिएट हो और उसमें आप ग्रो करना चाहते हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हो। सो हे गाइस, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करो और आपको आपके सक्सेस के जर्नी में हमारी वीडियो से हेल्प मिलती रहे। सो गाइस, अब बातचीत करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आप उस बिजनेस के अंदर कैसे कामयाब हो सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर दो प्रकार के नेटवर्कर पाए जाते हैं। यस गाइस, पहला होता है गाइस बैकिंग एटीट्यूड, जिसको बोलते हैं भिखारी वाला एटीट्यूड, और दूसरा होता है ग्रेटिट्यूड। यस गाइस दोस्तों, सबसे पहले बातचीत करते हैं बैकिंग एटीट्यूड की। देखो, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर नेटवर्कर असफल रहते हैं वो इस करके रहते हैं क्योंकि वो बैकिंग एटीट्यूड को अपनाते हैं। अब बैकिंग एटीट्यूड होता क्या, मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट जब कोई नेटवर्कर किसी न्यू पर्सन के पास में अपना प्लान प्रेजेंट करने के लिए जाता है तो नेटवर्कर अपनी वैल्यू गिरा देता है। वो खुद को नेटवर्कर नहीं समझता, वो सिर्फ और सिर्फ ये समझता है कि सामने वाले व्यक्ति से मैं कैसे भी करके आईडी ले लूं और इससे पैसा ले लूं। कभी भी वो पर्सन, वो नेटवर्कर उसको ये नहीं छलकने देता कि मैं इसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, कोई अवसर लेकर आया हूँ जिससे इसकी जिंदगी बदल सकती है। और भैया मुझे आप एक चीज बताओ, जब तक सामने वाले व्यक्ति को आपके प्लान में, आपके बिजनेस में कोई अवसर, कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देगी, जब तक उसको नहीं लगेगा कि हाँ इससे मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो वो पर्सन आपके साथ में एसोसिएट क्यों होगा और क्यों आपके साथ में काम करेगा और क्यों आपको आईडी देगा, आप ही बताओ। मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यह है कि जब आप उस पर्सन के पास अपना प्लान प्रेजेंट करने के लिए जाते हो तो आपने बैकिंग एटीट्यूड से कार्य नहीं करना। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उस साइड लेने के लिए आए हो, उससे आप कुछ लेना चाहते हो, नहीं। उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप इसको कुछ दे रहे हो, आप इसको कुछ अवसर दे रहे हो जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है, जिससे वो पैसा कमा सकता है, जिससे अपनी जिंदगी में वो ग्रो कर सकते हैं, तब जाकर वो आपको आईडी दे सकता है। लेकिन यदि आप उसको बैकिंग एटीट्यूड के द्वारा अपना प्लान प्रेजेंट करते रहे और उसको यही रियलाइज कराते रहे कि सामने वाले व्यक्ति जो नेटवर्क पर बैठा है सिर्फ और सिर्फ इसको आईडी चाहिए या फिर यहां से मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, जब तक सामने वाला व्यक्ति यही समझता रहेगा, जब तक आप उसको सेटिस्फाइड नहीं करोगे, फाइड नहीं करोगे, तो तब तक आपको वो आईडी नहीं देगा। तो गाइस, बैकिंग एटीट्यूड को छोड़िएगा यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो। हाँ, बातचीत करते हैं ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड वाला पर्सन क्या करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 10% लोग ग्रेटिट्यूड वाले होते हैं और 90% लोग बैकिंग एटीट्यूड वाले होते हैं। इसलिए 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल रह जाते हैं और 10% लोग जो ग्रेटिट्यूड वाले होते हैं सिर्फ और सिर्फ यही कामयाब होते हैं। अब देखो, जो ग्रेटिट्यूड वाले होते हैं, जब वे किसी न्यू पर्सन के पास में अपना प्लान प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं तो उनके जो थॉट प्रोसेस में, माइंड में चीजें चलती है वो यह चलती है कि उनको जो सामने पर्सन बैठा है उनको ये रियलाइज कराना होता है कि मैं इसको कुछ अवसर दे रहा हूँ, ना कि इससे कुछ ले रहा हूँ, मैं इसको कुछ अवसर दे रहा हूँ, कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ जिससे ये अपनी जिंदगी यहाँ से बदल सकता है। और जब सामने बैठे व्यक्ति को ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ मुझे कुछ अवसर दे रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिससे मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, जिससे बड़ी अर्निंग जनरेट कर सकता हूँ, जिससे नेम फेम कमा सकता हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत उसको ऐड देता है, तुरंत पैसे देते हैं और उसके साथ में कार्य करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर वो पर्सन शॉर्ट टर्म में नहीं, माय डियर फ्रेंड, शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में कार्य करता है और आपको एक बड़ा बिजनेस लाकर देता है जिससे वो खुद भी पैसा कमाता है, खुद भी नेम फेम कमाता है और आपका बिजनेस भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आप सिर्फ और सिर्फ बैकिंग एटीट्यूड को छोड़िएगा और ग्रेटिट्यूड को अपनाइएगा, फिर देखेगा आपका जो बिजनेस है किस तरीके से ग्रो करेगा। सो आई होप कि आपको सभी चीजें समझ आई होगी। डियर फ्रेंड, यदि आपको सभी चीजें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।